वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से डिक्रीज हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स या तो बनती नहीं हैं, और बनती हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसकी शेप होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है या एबनॉर्मल हो जाती है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करके और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है बॉडी के, और जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो क्या करते हैं, फिर फंक्शन करते हैं। अगर बॉडी में आरबीसी सही ढंग से वर्क नहीं करेगी, आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी के जो लाइफ स्पान है वो या तो कम हो जाएगा या उसकी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी शेप में, तो उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट पार्ट्स में नहीं ले जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें जो बॉडी के जो और ऑर्गन है जो फंक्शन करते हैं वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी जो फंक्शन करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया में अगर हम देखें तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है उससे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है ये करता है वेरी, मतलब अलग अलग लोगों में, जैसे मेल है फीमेल है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी ये क्या होता है, अलग अलग होता है, या हम कह सकते हैं जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग भी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी क्या होता है, अलग अलग वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ के जो लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा पाया जाता है, जैसे जो डेवलपमेंट जो कंट्रीज होते हैं उनके जो पर्सन होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, वहाँ का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ज़्यादा होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं, जो कंट्री डेवलपिंग कर रहे हैं उनमें अगर देखा जाए तो उनके जो पर्सन है वहां का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। या फिर हम जैसे और क्लाइमेट की तरफ आए, जो पहाड़ों पर रहते हैं वहां पर फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है, वहां के लोगों में हीमोग्लोबिन है उसका लेवल ज्यादा मिलता है कंपेरिजन टू द जो प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द नेशन वगैरह, ठीक है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है मेल में क्या हो सकता है, जैसे 13 से लेकर के 17 ग्राम तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है, और फीमेल में क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो चिल्ड्रन में ये और ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अगर ये लेवल क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, ये लेवल क्या हो जाता है, इसके नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। अब हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है ये हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हीमोलाइटिक जो एनीमिया है उसके क्या कॉजेज हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, और डायग्नोसिस इसको कैसे करते हैं, इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को, वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया को समझने से पहले क्या होता है कि दो वर्डों से मिलकर बना होता है हीमोलाइटिक, ठीक है। हीमो मीन्स होता है आरबीसी, लाइटिक मतलब होता है उसका डिस्ट्रक्शन। जब हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि जो आरबीसी है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है विद इन 120 डेज से बिफोर ही क्या हो जाती है, इसमें लाइसिस होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लग जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। वैसे तो आरबीसी की जो लाइफ स्पाइन है वो 120 डेज होती है, मतलब 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, स्प्लीन के अंदर।
लेकिन इससे पहले अगर आरबीसी जल्दी जल्दी क्या होने लग जाती है, डेस्ट्रिक्स होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाती हैं, तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक कहा जाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हीमोलाइसिस कहते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं व्हाट कॉज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया के क्या कॉजेज होते हैं, इसके मेनली टू कॉजेज होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड। ठीक है, इनहेरिटेड का मतलब होता है कि ऐसा कॉज जिसके कारण जो जीन होते हैं वो पेरेंट से ट्रांसफर होकर के उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें अगर आ जाते हैं तो इसकी वजह से जो हीमोलाइनीमिया होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड हीमोलाइटिक। और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कि ऐसा एनीमिया जो पेरेंट से जीन का ट्रांसफर की वजह से नहीं होता बल्कि किसी दूसरे कारण की वजह से हो सकता है, जैसे ड्रग इंड्यूस की वजह से हो सकता है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकते हैं। तो इसके ये क्या हैं, दो कॉजेज हैं। पहला हम देखते हैं हेरिटेटरी, मतलब कि ऐसा कारण या ऐसे जीन जो माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं इसकी वजह से जो बच्चों में एनीमिया देखने को मिलता है ऐसे उसको बोलते हैं हेरिडिटरी या फिर इनहेरिटेड एनीमिया। तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि स्पेरोसाइटोसिस है, एंजाइम डेफिशिएंसी है, इसमें क्या इसकी वजह से हो सकता है इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी, जैसे G6PD जो डेफिशिएंसी उसकी वजह से होता है, पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी हो जाता है, थैलेसीमिया है और हीमोग्लोबिनोपैथीसिस जिसको सिकल सेल एनीमिया जो कहते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, इनहेरिटेंस की वजह से ही होता है। तो इसमें G6 इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रेनेज है। इसका जो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपके चैनल पर इसकी वीडियो डाल रखी है, तो अगर देखना चाहते हैं आप तो वहाँ पर जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। लैब के जो स्टूडेंट्स हैं DMLT MMLT उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, तो ये कारण हो गया, एक तो हेरिडिटरी का कारण हो गया और दूसरा जो कारण है वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब वो जो कारण है एनीमिया का वो हेरिडिटी ना होकर, मतलब जीन उसके माता पिता से ट्रांसफर ना होकर कोई दूसरा कारण हो सकता है। दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, जैसे PNH मतलब होता है प्रोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनुरिया, मतलब इसमें यूरिया उसमें जो इसका यूरिन होता है उसमें ये दिखाई देता है प्रोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया। इसके अलावा जो इम्यून हीमोलाइटिक है एनीमिया वो हो सकता है। इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है इसमें, कि जो बॉडी है हमारी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या काम करता है कि बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी ही सेल को, हमारी ही बॉडी की जो यूजफुल सेल्स हैं उनको ही क्या समझने लग जाता है, एक फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है और उनको ही क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है। तो ऐसा जो डिसऑर्डर होता है वो होता है इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब आरबीसी हमारा इम्यून सिस्टम है हमारी ही जो आरबीसीज होती हैं उनको क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है। तो ऐसे हो सकते हैं ऑटो इम्यून और ऑलो इम्यून। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्वायर्ड इसका रीजन है वो क्या हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई ड्रग ले रहा है उसकी वजह से भी हीमोलाइसिस एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। जो आरबीसी है वो क्या हो सकती है, उसमें डिस्ट्रॉय होने लग जाती है किसी ड्रग की वजह से। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ कॉजेस थे, इनकी वजह से क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो आपको याद रखना है दो इसके रीजन होते हैं, एक तो इनहेरिटेड होता है और एक एक्वायर्ड होता है। इनहेरिटेड में आपको ये ध्यान में रखना है इन्हीं की वजह से हो सकता है, और जो एक्वायर्ड है वो क्या है इस तरह से। तो मैंने टेबल के द्वारा आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिम्टम ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। अब किसी पर्सन में हीमोलाइटिक एनीमिया इंड्यूस हो गया है तो उसमें कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम उसमें दिखाई देंगे जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे कि रेड जो है इसमें रेड ब्लड से इसमें सीवियर एनीमिया दिखाई देने लग जाता है। आईज में क्या दिखाई देगा, येलोइस दिखाई देगी उसकी आईज। स्किन कैसी हो जाएगी, पेलनेस हो जाएगी, कोल्डनेस और येलोइस दिखाई देगी। ठीक है, ये इसके साइन सिम्टम है हीमोलाइटिक एनीमिया के। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम दिखाई देगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी। मस्कुलर में क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाती है मसल्स में,
और इंटेस्टाइनल है वो क्या हो जाता है, चेंज स्टूल कलर, जो स्टूल का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, येलोइस कलर का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा या डार्क येलो इसमें स्टूल आने लगता है। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड जो साइन सिम्टम दिखाई देंगे उसमें ये होगा फटीक है, डिजीनेस है और फेंटनेस दिखाई देगी। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर इसमें दिखाई देगा। हार्ट से रिलेटेड जो साइन सिम्टम है वो होगा पैल्पिटेशंस हो जाएगा, रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, चेस्ट पेन हो जाता है, एंजाइना हो जाता है और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है स्प्लीन। स्प्लीन क्या हो जाता है कि इसकी एनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीन ये बढ़ जाती है इसकी। तो ये क्या है, इसके कुछ साइन सिम्टम है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गन, ऑर्गन के अनुसार ही इसके कुछ जो साइन सिम्टम है वो बॉडी में शो होने लग जाते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस करने के लिए इसमें कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है और अदर जो टेस्ट होते हैं जस्ट फाइंड आउट टाइप ऑफ एनीमिया एंड इट्स सीरियसनेस। इसके अलावा यूरिन टेस्ट करवाया जाता है और बायोप्सी करवाई जाती है। बायोप्सी का मतलब होता है कि बॉडी का जो कोई भी पार्ट है उसके क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है और फिर उसकी स्लाइड बना करके और लैब में टेस्ट की जाती है कि इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है इसकी वजह से, चेक करने के लिए, या फिर जो सेल है वो एबनॉर्मलिटीज कैसे शो कर रही है, ये सारे जो टेस्ट हैं वो इस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डायग्नोस थे। इसके बाद अब हम इसका देखते हैं, अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा, हाउ टू ट्रीट इट। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, द ट्रीटमेंट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द काज, इसके कारण के ऊपर ही क्या है इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। लेकिन जो इसका मेन ट्रीटमेंट है वो है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है मेनली। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब इसमें कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है इसका सीवियर केसेस में क्या होता है, इसमें सर्जरी भी होती है। तो ये है इसके कुछ ट्रीटमेंट, हिमोलाइटिक एनीमिया है उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। पहला तो इसमें ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा करेंगे। इसके अलावा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं इसमें, और सीवियर केस में क्या करते हैं, इसमें स्प्लीन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है स्प्लीन का ही होता है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का। तो ये ही क्या करता है, इसको इस सर्जरी के द्वारा स्प्लीन क्या की जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। तो ये थे इसके कुछ ट्रीटमेंट के स्टेप्स। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने अभी तक इस वीडियो में देखे हैं उनको एक बार समरी कर देती हूँ मैं आपको, कि इसमें क्या क्या करते हैं, कि क्या इट इज अ डिसऑर्डर विच रेड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉय आफ्टर देन 120 डेज, 120 दिन के से पहले ही आरबीसी क्या होने लग जाती है, डेस्ट्रेक्स होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। एंड इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि पेरेंट्स पास द जीन इन देयर चिल्ड्रंस, मेन कारण इसका यही है कि जो इनहेरिटेड, दो तरह का मैंने हिमोलाइटिक एनीमिया बताया, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड एनीमिया में क्या होता है, इनहेरिटेड जो हिमोलाइटिक एनीमिया है उसमें क्या होता है, जीन पेरेंट्स से ट्रांसफर उसके चिल्ड्रन में हो जाते हैं। अक्वायर्ड जो हिमोलाइटिक एनीमिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे ड्रग इंड्यूस हो गया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो इसके मेन थे, इसमें क्या हो जाए, वीकनेस आ जाती है, पेलनेस है, जॉइंटिस है, डार्क कलर, यूरिन हो जाता है, फीवर आ जाता है, इनएबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्ट मर्मर, ये सारे क्या है इसमें कुछ साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में होता है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और अदर मेडिसिन इसमें दी जाती है। इसके बाद इसमें कुछ सर्जरी भी हम इमरजेंसी में या फिर सीरियस जो केसेस होते हैं उसमें करते हैं। तो ये थे आज का सारा इसका क्या कह सकते हैं, इसकी समरी है हिमोलाइटिक एनीमिया के। इनको भी आप रीड आउट करके पूरा जो वीडियो है उसका एक तरीके से निचोड़ निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको हिमोलाइटिक एनीमिया के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करें, या फिर और अदर किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड टू मेडिकल लैब से, तो आप कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करें। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई